Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number first, the sentence. हम sentence, word, alphabet से related सब कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं. जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर टू ऑल प्लेलिस्ट में अब इस वीडियो को देख सकता है, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया है कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं, कैसे उनकी पहचान होती है. आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. हाउ वी रिकॉग्नाइज विच इज सब्जेक्ट एंड विच इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did. अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिए हुए हैं तो इनके साथ और इनके बाद का जो वर्ड होता है वो होता है आपका प्रेडिकेट. कुछ सेंटेंस के अंदर आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दी होंगी, वहाँ पे आपको केवल और केवल वर्ब दी होगी, तो वर्ब के पीछे का जितना भी सेंटेंस होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है और इन वर्ड से पहले या वर्ब से पहले जो भी होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. लाइक दिस, माय नेम इज सीता. यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज, आपको यहाँ से पहचानना है. इज के बाद का जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेडिकेट है और जो आगे वाला बच गया ये हमारा सब्जेक्ट है. ही रीड्स अ बुक. यहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब इनमें से नहीं दी हुई है, यहाँ पे केवल आपको जो दी हुई है वो है वर्ब. इस वर्ब से बाद का जो वर्ड है वो हमारा प्रेडिकेट है और जो ये है ये हमारा सब्जेक्ट होता है. हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन. उसका भाई एक ऑनेस्ट आदमी है. यहाँ पे हमको वर्ब दी हुई है इज, इसके बाद का जो है वो हमारा प्रेडिकेट है और इससे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट है. सेंटेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो में पढ़ाया है और यहाँ इसके दो पार्ट थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सेंटेंस के हमारे कितने पार्ट होते हैं. सेंटेंस के हमारे टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट. इसको पहचानने का सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद की जितना भी वर्ड होता है वो सारा आपका प्रेडिकेट होता है. अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो इसके बाद आपको कहीं ना कहीं वर्ब मिलेगी और उस वर्ब से लेके पीछे का सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होगा और उससे पहले का आपका सब्जेक्ट होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में पढ़ाया है. यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, आज हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस राइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स. यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं जिनको आपको अरेंज करना है. फर्स्ट है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. अगर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया है उसके लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा और स्टार्टिंग का जो लेटर आएगा वो हमारा कैपिटल आएगा. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द ब्लू स्काई. I will be narrating a story tomorrow. We should pray to God daily. An apple a day keeps the doctor away. यहाँ पे आपको जो वर्ड दिए हैं ये जम्बल वर्ड है, इनको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. सेकेंड है आपका मैच ईच सब्जेक्ट विद एन अप्रोप्राइट प्रेडिकेट. यहाँ पे आपको इधर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इधर प्रेडिकेट है. आप एक चीज देखना, मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ पे इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल सेल डू डज में से कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आपको वर्ब दी हुई है मेक वेंट कम और यहाँ पे आपको हैज दिया हुआ है. आकार हैज फोर व्हील्स, एक गाड़ी के चार पहिए होते हैं. अ रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. अ लॉयन केम आउट ऑफ द केव. हॉट वेदर मेक्स यू थर्स्टी. माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द चर्च ऑन संडे. नेक्स्ट वन है आपका आइडेंटिफाइड
एंड राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को पहचानना है और ये बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ऑल्सो अंडरलाइन द पंचुएक्शन दैट सिग्निफाई द सेंटेंस। और यहाँ एक पंचुएक्शन दिया गया है जिसको आपको अंडरलाइन करके ये बताना है कि ये कौन से सेंटेंस का है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारे फाइव टाइप के सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव। सेकेंड वन है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लॉन आई हैव एवर सीन। यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है, इट मीन्स ये आपका कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। प्लीज पास द लेमनेट, ये है आपका इम्पेरेटिव, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट की गई है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, कमांड, ये वाले सेंटेंस आते हैं। आई कांट गेट डाउन, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है, इट मीन्स ये आपका कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। इट टेक्स हार्ड वर्क टू प्लांट ऑल ऑफ दीज फ्लावर्स, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इसको बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन है आपका चेंज एंड राइट दीज पॉजिटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव। यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिए गए हैं, इनको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो सेम आता है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसके जस्ट बाद में आप नोट लगा दीजिए तो आपका सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो वो आपको बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपको इज दे रखा है तो इज के बाद हम क्या लगा देंगे, सुमित इज नॉट गोइंग टू विजिट द डेंटिस्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राइजेस दिया हुआ है, कोई वर्ब नहीं दी हुई तो हम इसको बनाएंगे द सन डज नॉट, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, डू और डज आता है। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ एस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज नॉट इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अक्षय वांट्स सम मिल्क, यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, ये भी किस में बदलेगा, डज नॉट में। अक्षय डज नॉट वांट, फिर आपका ये एस नहीं रहेगा क्योंकि ये डज में चेंज हो गया, वांट सम मिल्क। मोनिका एंड आई आर, यहाँ पे आपको आर ऑलरेडी दिया हुआ है, मोनिका एंड आई आर नॉट गोइंग टू केरला। द चिल्ड्रन, यहाँ पे भी आपको आर दिया हुआ है, द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। नेक्स्ट है आपको मोहित लाइक्स दिया हुआ है, मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे वर्ब नहीं दी गई तो आपको खुद से बनानी है, डज नॉट और यहाँ पे जो लाइक्स है वो क्या बन जाएगा आपका, लाइक टू स्टडी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये आपका जो सेंटेंस है एज इज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेंज एंड राइट दिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव। किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और जो उसका सब्जेक्ट होता है उसको हम पीछे लाके जब हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, ये प्रेजेंट टेंस है और अभी भी मैंने आपको पीछे बताया कि जहाँ प्रेजेंट टेंस होता है सॉरी एस का यूज होता है वो किस में चेंज होता है, डू या डज में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा, डज दिस पर्स टू नेहा और लास्ट में आपके लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑलरेडी आपको वाज दिया हुआ है, वाज को हम आगे ले आएंगे और इट को पीछे ले आएंगे, अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस।
और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है विल, विल आपका आगे आ जाएगा और आई आपका पीछे आ जाएगा। गो टू जयपुर बाय बस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वर दिया हुआ है, वर आगे आ जाएगा आपका और देयर पीछे। वर देयर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, और आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इज दिया हुआ है, इज आगे आगे जाएगा आपका और प्रियंका पीछे आ जाएगा। प्रियंका गोइंग टू द लाइब्रेरी, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिल सके और उनके नोटिफिकेशन आपको पता लग सके। सॉरी, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। थैंक यू।